सेवन कर रहे थे हमारे बदलते गांव, इसके क्वेश्चन आधे क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम बुक में देखेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं और ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको पूरा करना है। तो सुबह पशुओं को चराने के लिए चारागाह में ले जाया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा यहाँ चारागाह। अब देखो गांव की हवा क्या होती है, स्वास्थ्यवर्धक, क्या आएगा, खै, ये आएगा इसमें। आगे है मोनू के चाचू से खेती करते थे, किससे खेती करते थे, ट्रैक्टर से, तो ये गए। अब से पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, किसके पानी, ये किससे हम क्या है पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, रेन हार्वेस्टिंग, तो यहाँ क्या आएगा, ये गए, घ आ गया। अब अगला है युवा पीढ़ी के योगदान से ही गांवों का भविष्य उज्जवल होगा, तो ये क्या है, अड़े, ये इसमें फिल कर लेना। अब देखो हमें क्या है दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को की, सॉरी मैं रेखांकित कर रही हूँ, हाँ देखो क्या है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान। अब जो ये वाक्य दे रखे हैं इनमें क्या है रेखांकित किया हुआ है, ये रेखांकित किया हुआ है, इन वक्त इन शब्दों को क्या है पहचान करनी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के रूप में कीजिए, इनकी पहचान करनी है, किस किस में करनी है हमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया होते क्या है, किन को बोलते हैं, तभी आप ये कर पाओगे, इनको अच्छे से पहले वो आना चाहिए वो पढ़ना। देखो पहला क्या हुआ, मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था, अब रेखांकित क्या हुआ मोनू को, तो मोनू क्या है नाम है, नाम है तो क्या है ये संज्ञा है, तो यहाँ क्या आएगा संज्ञा। जो ये शब्द दिया हुआ है इसकी पहचान करनी है, तो ये क्या है संज्ञा। अब आगे देखो दादाजी वह देखो सफेद बकरियां, अब बकरियां है वो तो क्या है संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई गई है कि वो सफेद है, तो वो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है, तो यहाँ क्या आएगा विशेषण, विशेषण। आगे देखो अगला है मैं गांव में रहकर खेती करूंगा, तब मैं यानी मोनू के लिए बोला गया है कि मैं, मोनू बोल रहा है ये बात कि मैं, तो अपने लिए उसने किसका यूज किया है मैं का, और किसी की जगह किसी का नाम ले लेके उसके स्थान पर वह उसने उन्हें अपने ऐसे नाम ले मैं ले हम ले, तो वो क्या है वो सर्वनाम, तो मैं की जगह जाएगा सर्वनाम, ये सर्वनाम है। जो यहाँ मैं लिखा है वो क्या है सर्वनाम है। अगला है रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी, अब जो रेलगाड़ी है वो चल रही थी और उसकी रफ्तार है क्या वो कम हो रही थी, उसके लिए बोला गया है हो रही थी, यानी कि क्रिया है, रेलगाड़ी चल रही है वो अपना कार्य कर रही है और वो धीरे हो गई, यानी कि वो भी काम कर रही है धीरे हो गई, तो इसमें क्या आएगा क्रिया, क्रिया, ठीक है। अगला है किसान खेती करते हैं, तो किसान है वो भी क्या है संज्ञा है, ये किसान देखता है इसमें, ये क्या है संज्ञा, इनको अच्छे से पढ़ लेना कि संज्ञा किसे बोलते हैं, सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये आपको आ जाएगा, तो ये आप अच्छे से कर लोगे, इनको अपनी बुक में फिल कर लेना। अब अगला क्वेश्चन दिया आपको ये बुक में, देखो पाठ के आधार पर विशेषण विशेष्य का सही मिलान कीजिए। अब विशेषण कोई ये किसी की विशेषता बताई गई है, ठीक है, और उसी के आगे किसी और किसी भी वस्तु की और उसके आगे विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, वो आपको अच्छे से डिटेल में मैंने परिभाषा बताई थी इसकी। तो देखो इधर विशेषण दिए हुए इधर विशेष्य दिए हुए, तो सफ़ेद, सफ़ेद किसके लिए बोला गया था बकरियों के लिए, तो क्या है बकरी क्या है विशेष्य है और सफ़ेद क्या है विशेषण, तो इससे इसका मिलान करना है। उसके बाद है ठंडी, ठंडी सांस लेना दादाजी ने तो बोलते वक्त ऐसे क्या है, तो ये ठंडी सांस। उदास हंसी, अब देखो दादाजी थे वो उदास थे पर उन्होंने मोनू को बताते वक्त थोड़ा बहुत हंसा, तो उदास ही हंसी होती है, तो ये क्या है उदास हंसी।
स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक क्या होती है? हवा, इसका आएगा हवा। दूषित, दूषित वातावरण। उज्ज्वल भविष्य। और पढ़े लिखे नौजवान। ये अपनी बुक में अच्छे से फील कर लेना इनको और याद कर लेना इनको। अब आगे देखो, दूसरा दिया है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको लिखने हैं दुखी, सुखी, कम, ज़्यादा, सफ़ेद, काला, गांव, शहर, स्वस्थ, अस्वस्थ, पक्की, कच्ची। ये अपनी बुक में फिल कर लेना इनको। आगे आगे आपको दिए हुए कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। कल्पना, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे आपको ये शब्द दे रखे हैं, इनके वाक्य बनाने इधर, तो कैसे लिखोगे? मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे ये शब्द दे रखा है, इसका वाक्य बनाना है। आगे है वातावरण, ये धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है, ऐसे आप लिख लेना। दृश्य, आगे है दृश्य, दृश्य का क्या आएगा? मेले का दृश्य अच्छा है। तो ऐसे आपको जैसा भी आता हो, बस ये शब्द, ये जो शब्द है वो आपके वाक्य में आना चाहिए, वो ये खुद से लिख लेना। आगे है आश्चर्य, तो मोनू को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या है? वाक्य है। अगला है सुरक्षा, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। ऐसे आपको वाक्य बनाने, आप जैसा भी चाहो वैसे बना लेना, पर ये शब्द उसके अंदर आने चाहिए, वाक्य भी ढंग से होना चाहिए। आगे यह छठा क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं। हाँ, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने आज आपको करवाया है वो बुक में फिल कर लेना और विलोम शब्द अच्छे से सारे 20-30 विलोम शब्द याद कर लेना, और जो मैंने करवाया है वो बुक में फिल कर लेना।